एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट पाठशाला में। मैं हूं एकेन 22 और आज के भाग में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बना सकते हैं ऑटो बोन मील मेकर, ठीक है, और वो मदद से केल्प की। तो ये ऑटोमेटिक फार्म है मेरे पीछे जिसमें आप अपना बोन मील बना सकते हैं ऑटोमेटिकली कंपोस्टर की मदद से, ठीक है, केल्प और कंपोस्टर की मदद से। जैसे कि आपको पता है कि कंपोस्टर जो है उसको जिसमें अगर आप केल्प डालते हैं या आपका जो खाना रहता है वो डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बोन मील में, ठीक है। ये देखिए मेरे पास केल्प है, अगर इसको आप फिलअप करते हैं कंपोस्टर में तो ये धीरे धीरे आपको एक बोन मील देता है। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया है मैंने। और इसके लिए इस ऑटो फॉर्म को बनाने के लिए आपको चाहिए ये सब चीज़ें, प्रेशर प्लेट, कोई सा भी ब्लॉक, एक जो आप हेल्पिंग ब्लॉक जैसा यूज़ करना चाहते हैं, पैक डाइस, ग्लास, रेडस्टोन, पिस्टन, ऑब्जर्वर ब्लॉक, केल्प, कॉपर, कंपोस्टर, एक और हेल्पिंग ब्लॉक, वाटर बकेट और दो चेस्ट। ओके, तो लेट्स गो, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये लेते हैं इसके पहले यहाँ से वन बट वन वन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, तो सिक्स ब्लॉक्स हो गया यहाँ से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। यहाँ पर हमारा लगेगा केल्प, हम केल्प लगा देते हैं। पहले हमको यहाँ पर पानी फिलअप करना पड़ेगा पूरा ऊपर तक, ताकि केल्प वहाँ पर हम उसको थोड़ा सा और ऊपर तक लेकर आ सकें। अब हमें इसमें लगाना है, यहाँ इस वाली बेस पे हमारा केल्प लगेगा, उसके ऊपर फिर ये वाली पर हम एक और लेयर बना देते हैं छः ब्लॉक की, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, तो इस ब्लॉक पे हमारे पिस्टन्स लगेंगे, ये आ गए हमारे पिस्टन्स, फिर ऑब्जर्वर ब्लॉक्स फाइव सिक्स सेवन एट, ये हो गए हमारे पिस्टन्स। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारे ऑब्जर्वर ब्लॉक्स, ओके सिक्स सेवन एट। और अब हमें इसे पावर अप करने के लिए यहाँ पर लगाना है रेडस्टोन, और इसके लिए मैं एंडरसाइट लगा रहा हूँ, पॉलिश एंडरसाइट, कोई सा भी ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हैं। और ये पावर अप हो गए हमारे ऑब्जर्वर ब्लॉक, ठीक है। अब ये तो हमारा कंट्रैप्शन बन गया, अब हमें इसको इनक्लोज करना है। उसके लिए आपको ग्लास चाहिए रहता है, ग्लास आप यहाँ से लगाना शुरू कर दें। मैं क्लियर ग्लास इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे से दिखेगा, नहीं वैसे ये विदाउट क्लियर ग्लास, ये नया टेक्सचर है 1.142 का जो कि कुछ ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। ये हो गया आपका ऊपर का सरफेस, यहाँ से आएगा केल्प ऊपर और इसके उधर से फिर दूसरी तरफ गिरेगा। ओके, मैं ग्रास ब्लॉक ले लेता हूँ, राइट, ठीक है, फिर इसके ऊपर प्लेस करते हैं हम। और इसके चारों तरफ से इनक्लोज कर दो ताकि हम इसमें पानी फिलअप कर सकें। इस तरफ से हम ये ब्लॉक हटा देते हैं और ग्लास ब्लॉक लगा देते हैं, ये इनक्लोज हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस तरफ एक और लेयर बनानी है जिसमें ये ड्रॉप होंगे हमारे केल्प्स ऊपर से गिरकर। यहाँ पर पानी की बकेट डालेंगे हम एक, ये आ गया, अब इसको ऊपर तक ले आते हैं ताकि दूसरी तरफ ना गिरे ये। होपफुली मैं सही कर रहा हूँ, हाँ हो गया। अब हमें लेना है एक वाटर बकेट, उसे प्लेस करना है यहाँ पर। ओके, अब हम लेते हैं हॉपर
उसके पहले हमें यहाँ पर एक चेस्ट लगा दे। ये आ गया हमारा, यहाँ पर कलेक्ट होंगे, ठीक है। इसके नीचे मैं एक चेस्ट लगा दिया, ओके। इसको भी अनक्लोज कर दे ताकि ये बाहर ना गिरे निकल के। ये हो गया। अब आपको लेना है आइस पैक डाइस, उसे लगाना है यहाँ पर। उप्स, ये पैक डाइस इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये स्लाइड होकर आगे चले जाए, नहीं तो जिस ब्लॉक पे हम इसको आगे भेजेंगे कैल्प को वहीं पर अटक जाता है कभी कभी, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ताकि कोई सा भी चीज़ बाहर ना ड्रॉप हो। बस राइट, ये हो गया। अब हमें इसको फिलअप करना है वाटर से और फिर लगाना है यहाँ पर कैल्प। इसको आपको पूरा फिलअप करना है, पूरे सोर्स ब्लॉक होने चाहिए तभी आप इसको कैल्प रख सकते हैं इसमें। इसलिए ध्यान रखें कि सारे ब्लॉक सोर्स ब्लॉक हो। ओके, ओप्स, राइट। अब हमें लगाना है यहाँ पर प्रेशर प्लेट्स इन आइस ब्लॉक्स पैक्ड आइस के ऊपर ताकि ये पानी को, बहते पानी को रोक दे। ओके, मुझे इसको एक ब्लॉक पीछे लेना था शायद, आई गेस। यप, अगर आपको लग रहा है कि ये ऊपर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर सोर्स ब्लॉक प्लेस कर सकते हैं तो फिर ये धीरे धीरे अपने आप ऊपर जाने लग जाएगा। और अब हम यहाँ पर कैल्प लगा देते हैं, ठीक है। अब ये ग्रो होगा, कैल्प यहाँ से आएगा और इस तरफ गिरेगा। मैं इधर ड्रॉप करता हूँ नीचे, इसको चेक कर लें कि आपके जो कैल्प हैं वो नीचे अटके ना। बस अगर अटक रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको ब्लॉक से प्लेस कर सकते हैं। और हमारा शायद पीछे से रेडस्टोन निकल गया था, हम इसे वापस प्लेस कर देते हैं। ये हो गया, ये ऊपर आता है यहाँ से स्लाइड करके फिर नीचे गिरता है। ये देखो, अगर आप ये प्रेशर प्लेट हटा देंगे तो पानी भी नहीं रुकेगा और अगर आप आइस ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो वो इसके ऊपर अटक जाएगा, प्रेशर प्लेट के ऊपर अटक जाएगा, वो स्लाइड नहीं होता क्योंकि अगर आपने आइस ब्लॉक नीचे लगा के रखा है तो वो एंटिटी स्लाइड करते हुए नीचे गिर जाती है। ओके, तो ये अब काम करता है। जैसे ही ये आपका कैल्प है वो थर्ड ब्लॉक तक पहुंचेगा, जो ऑब्जर्वर ब्लॉक है वहाँ तक पहुंचेगा,
तो वो अपने आप पिस्टन नीचे से ब्रेक कर देगा, दो कैल्प एंटिटीज इसमें से निकल के इसमें नीचे गिरेगी और वो सीधे कलेक्ट होगी इस हॉपर इस चेस्ट में, और ये चेस्ट कनेक्ट करते हैं हम एक कंपोस्टर से। ठीक है, ये हमारा हमने लगाया कंपोस्टर और इसके ऊपर आप लगाएं एक हॉपर। अब इसमें देखिए फिल हो रहा है ये धीरे धीरे, और ये कलेक्ट होगा और बोन मील बन जाएगा। अब इसको कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे एक हॉपर लगा दीजिए और फिर इसके नीचे एक और चेस्ट, तो ये ऑटोमेटिकली इस चेस्ट के अंदर कलेक्ट होता जाएगा। जैसे जैसे इसमें कैल्प आता जाएगा वैसे वैसे ये फिल होगा। ओके, तो अगर आप चाहते हैं इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए, तो आप इसमें एक और यहाँ पर इस हॉपर में एक और चेस्ट कनेक्ट कर दीजिए, जो कि कनेक्ट होगा दूसरे वाले क्या कहते हैं उसे ब्लॉक से, जो आपका कोई सा भी अगर फार्म है, वीट फार्म है या कोई सा भी फूड फार्म है, उसको आप इसमें कनेक्ट कर दीजिए। अगर आप इसमें फूड डालेंगे तो वो सीधा कन्वर्ट होगा आपका क्या कहते हैं बोन मील में। ये देखो वो बेरीज ले रहा है और इसमें डाल रहा है और वहाँ से फिर वो कन्वर्ट होके इसमें बोन मील में इसमें आती जाएगी। ये देखो एक और बोन मील आ गई। तो ऐसे आप आपका ऑटोमेटिक बोन मील फार्म बना सकते हैं, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको हॉपर चाहिए रहता है, ऑब्जर्वर ब्लॉक, पिस्टन्स, पैक डाइस, रेडस्टोन और कंपोस्टर, और इसमें आप मल्टीपल चीज़ें अगर आपके पास दो तीन फार्म है जिसमें आपको ऐड करना हो बोन मील सारा बहुत सारा चाहिए, तो इसमें आप अलग अलग साइड में अलग अलग फार्म के कनेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें अलग अलग जो भी खाने की चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं। हमने काजर भी डाल दिया, अब इसका देखिए रेट बढ़ जाता है और इसमें धीरे धीरे बोन मील इकट्ठा होने लग जाएगा। तो ये सबसे इजी वे है, आप बना सकते हैं इसको और ढेर सारा बोन मील कलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, ओके, अगर आपको इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है तो आप मल्टीपल लेयर्स ऑफ पिस्टन और इसकी बना सकते हैं ऑब्जर्वर ब्लॉक की और इसे पीछे ले जा सकते हैं, फिर वो ऊपर से पूरा ड्रॉप होके इसमें गिरेगा और आपका फार्म जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। ये तो हमने सिंपल फार्म बनाया है, देखिए इधर से आती है और नीचे गिर रहे हैं और जाते हैं सीधे हॉपर में। ओके गाइस, तो इस भाग में इतना ही माइनक्राफ्ट पाठशाला के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट दीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मज़ेदार लाइव स्ट्रीमिंग एपिसोड्स सीरीज़ माइनक्राफ्ट की, मॉडर्न माइनक्राफ्ट की देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ एक N22, मिलता हूँ आपसे अगले भाग में। अंटिल देन, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।